दाता और मुख्तार अंसारी को ही अभी ऑनरेबल कोर्ट ने सजा सुनाई है। इसमें दो मृतकों की मृत्यु हो चुकी है, जो अब्दुल कलाम जो उस वक्त थे वो मर चुके हैं, और एक एक्यूज और की मृत्यु हो चुकी है। दो एक्यूज जो राकेश नाइक हैं और एक उनका मुकदमा जो है इलाहाबाद में पेंडिंग है। इस मामले में अधिकतम क्या सजा हो सकती है? देखिए, आईपीसी 302 में सिर्फ दो सजा का प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता 302 यह प्रावधान करती है कि यदि कोई व्यक्ति 302 में गिल्टी या गुनाहगार साबित होता है तो आजीवन कारावास या फांसी और पेनाल्टी। तो इसमें आजीवन कारावास मिनिमम होना ही होना है या तो फांसी रेयरेस्ट ऑप्शन में होती है। तो कोर्ट यदि चाहे तो इनको क्रिमिनल हिस्ट्री को देखते हुए फांसी की सजा भी दे सकती है, क्योंकि ये इनका एक लंबा 45 साल का यह सन 1988 में पहला मर्डर सत्यानंद राय का गाजीपुर जिले में किए थे, तब से इनके ऊपर तमाम आरोप लगते हैं। साथ साथ और कौन है आरोपी जो इसमें आरोपित में राकेश नाइक हैं, भीम सिंह हैं, कमलेश सिंह हैं और अब्दुल कलाम हैं, जिसमें दो लोगों की मृत्यु हो चुकी है और दो लोगों का मुकदमा इलाहाबाद में चल रहा है। एक मुख्तार अंसारी का मुकदमा यहां चल रहा था जिसमें वो साबित गुनाहगार साबित हुए हैं और 302 में उनको लंच बाद सजा सुनाई जाएगी। बिल्कुल, तो देखिए लंच के बाद ये सजा का ऐलान होगा।